मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पांड्या। और आज का दिन हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था और काफी रेंज बॉन्ड मार्केट रहा है। 10,800 पे आके हम पूरी तरह से अटक गए हैं, क्लोजिंग वहीं दी है, लेकिन काफी रेंज बॉन्ड था। ऊपर उतार चढ़ाव के बीच में मार्केट ने ट्रेड किया। ऐसा क्या हो रहा है प्रदीप, क्या डिसीजन नहीं ले पा रहे इन्वेस्टर्स, क्या करें? इतनी छोटी रेंज बहुत ही ज्यादा सीमित दायरे में हमने बाजार को घूमते हुए देखा आज के दिन। और अगर आप रीजन की बात करें, देखिए दोनों तरफ के कारण है ना आपके पास। क्रूड घट गया तो इससे बुल्स को काफी मदद मिली। उनको लगा कि हमारे लिए सबसे अहम तो मुद्दा यही है, तो वहां से थोड़ा सपोर्ट आता हुआ नजर आया खास तौर पे। इसके बाद आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज की खबर से एक बार झटका लगा था, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज भी पूरा रिकवर हो गया और दूसरे स्टॉक भी रिकवर होते हुए नजर आए। कंजम्पशन की थीम बहुत ही स्ट्रांग दिखी, चाहे वो बाटा हो, दूसरी तमाम कंपनीज हो लिबर्टी जैसी शूज में, या फिर जुबिलेंट फूड वर्क्स हो, तो इन तमाम शेयरों में हमने जबरदस्त खरीदारी आते हुए देखी है। तो ये साफ तौर पे संकेत दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉपुलर थीम्स हैं ये अभी भी अपनी जगह पे स्ट्रांग बनी हुई है। ऑटो स्टॉक्स टीवीएस जैसे उन्हें काफी मजबूती देखने को मिली, तो टाटा मोटर्स भी आज ऊपर था, खरीदारी चल रही है। और दूसरी तरफ निगेटिव साइड में अगर आप देखें तो ग्लोबल ट्रेड वॉर की वजह से मेटल स्टॉक्स काफी कमजोर हुए, फिर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आईटी में आती हुई नजर आई। आज तो फार्मा में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में। हाँ, लेकिन वो जो मैंने कहा कि नीचे से रिकवर हुए काफी हद तक, वहाँ पे मूड इतना खराब नहीं है। रेड्डीज रिकवर हुआ, दूसरे कुछ स्टॉक जैसे आप कह रहे सही बात है वो पूरी तरह रिकवर नहीं भी हो पाए, तो थोड़ा मिक्स रुझान देखने को मिला। और बैंक भी देखिए दोनों तरफ है, ICICI काफी स्ट्रॉन्ग था लेकिन PSU बैंक इंडेक्स नीचे था, वहाँ पे काफी बैंकों की पिटाई हुई, तो दूसरे बैंक साथ नहीं दे रहे। ICICI अकेला कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से ऊपर जाने की, फिर कोल इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट खबरें आई उसकी वजह से वो भी कमजोर होता हुआ नजर आया। तो दोनों तरफ से खबरें थी, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे और बाजार कहीं तभी वो ICICI की न्यूज क्या वो इतनी बड़ी थी कि इतने हैवी वेट को 3.5% के आसपास की तेजी देखने मिले है, तो क्योंकि पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी केवल और केवल चंदा कोचर को लेकर है। बैंक की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है और अब लोग देखिए कहीं ना कहीं उनको लगता है ना कि आप बजाज फाइनेंस को और कितना वैल्यूएशन दे देंगे, आप HDFC बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को और कितना वैल्यूएशन दे देंगे, तो ये जो पूरी तरह से रिटेल फोकस्ड बैंक्स है वो पोर्टफोलियो में उनका वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। और सारे फंड मैनेजर्स को चाहिए कि उनको ऑप्शन मिले तो वो तुरंत वहाँ पर स्विच हों। और वही हो रहा है, अगर ICICI बैंक में ये कंट्रोवर्सी निकल जाती है और नया एक मैनेजमेंट वहाँ पर आ जाता है जैसा कि बाजार अंदाजा लगा रहा है, तो उसके बाद इस बैंक की यहाँ से आपको जरूर रीडेटिंग होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सबसे खराब से खराब जो NPA के आंकड़े आने थे वो पिछले क्वार्टर में आ चुके हैं। SBI जो सबसे बड़ा बैंक है सरकारी बैंक, उसने कह दिया है कि वो पूरे साल में करीब 50,000 करोड़ के आसपास के NPAs को अपग्रेड कर पाएगा। तो ICICI बैंक के लिए भी ऐसा ही कुछ करना मुमकिन हो सकता है। इवन एक्सिस के लिए भी शायद आगे कुछ अच्छी खबर आए, क्योंकि वहाँ भी मैनेजमेंट चेंज हो ही रहा है, वो तो पक्का हो चुका है, तो ये खबर इसी वजह से बाजार को अच्छी लगी है। हालांकि ध्यान रखिए संदीप बख्शी एक स्टॉप गैप CEO है, फुल टाइम CEO नहीं है। ओके ठीक है, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो। यहाँ जयमिंग कोठिया ये पूछ रहे हैं अडानी ग्रीन, आज ही की ये लिस्टिंग है और अडानी एंटरप्राइज से डीमर्ज होकर इसकी लिस्टिंग हुई अक्टूबर 2017 में, ये हुआ था डीमर्जर हुआ था इसका, जो वैसे भी प्राइस माना जा रहा था 25 से 30 रुपये पे लिस्टिंग होगी, 30 रुपये पे ही लिस्टिंग हुई है। हालांकि कुछ दिनों तक तो ये T2T में रहने वाला है, ट्रेड टू ट्रेड में रहने वाला है। हाँ, तो लेकिन एज अ कंपनी एज अ स्टॉक ये कैसा लगता है? देखिए इस कंपनी को मैंने बहुत क्लोजली नहीं देखा है, लेकिन जहां तक ट्रेडर्स से हमारी बात हो रही है जिस तरह का अंदाजा लोग लगा रहे हैं उनको लगता है कि थोड़ा और उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ओवरऑल पूरे के पूरे अडानी ग्रुप पे अगर आप नजर डालें हाल के दिनों में, तो अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर उन्होंने ऐसी कंपनियां रखी हुई थी जिनके बारे में उनका ये भरोसा है ये थोड़े लंबी रेस के घोड़े हैं, आगे एक अलग स्टोरी आपको नजर आएगी, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज उस लिहाज से ढूंढी जा रही है। लेकिन एक अच्छा मौका इस पूरे मैं कहूंगा कि वैल्यू अनलॉकिंग की वजह से एक शानदार ट्रेड का मौका जो है वो अडानी एंटरप्राइजेस में आपको पहले मिला था। क्या उसी तरह का अट्रैक्टिव मौका इस वक्त इस लेवल पर आपको इस नई कंपनी में मिल रहा है अडानी ग्रीन में? तो ट्रेडर्स इस पे बहुत आम राय बनती हुई नजर नहीं आ रही है ट्रेडर्स एनालिस्ट की, और बहुत कम एनालिस्ट है
जो इसको ट्रैक कर रहे हैं इसलिए अभी भी इस पे बहुत ज्यादा डिटेल और बहुत ज्यादा क्लैरिटी। वैसे भी अभी तक रिन्यूएबल स्पेस की कंपनी ने ज्यादा कमा के नहीं दिया है इन्वेस्टर्स को, एक वजह है क्योंकि इसके स्पेशलाइज्ड एनालिस्ट काफी है भी नहीं। दो तीन एनालिस्ट से आज दिन के दौरान बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि क्या वैल्यूएशन बन सकते हैं इस कंपनी के, लेकिन उन्होंने बहुत डिटेल में ट्रैक नहीं किया है। मुझे लगता है कि कंपनी को थोड़ी कोशिश करनी चाहिए और एक आध रेप्यूटेड बिजनेस हाउस से अगर कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं तो हम ज़्यादा ऑथेंटिक आपको जवाब दे पाएंगे। देखिए हमारी कोशिश यही होती है कि पूरी रिसर्च अवेलेबल हो, उसके बाद ही हम किसी कोई भी व्यू किसी स्टॉक पर दें। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुवेंदु सेनापति अशोक लेलन पे पूछे, मुझे याद है प्रदीप जब मैंने आपसे पूछा था इसी फेसबुक लाइव पे करीब 146-147 के आसपास चलता था, तब आपने कहा था कि स्टॉक से दूर रहिए गिरेगा। अब देखिए 138-139 के आसपास आ चुका है, ऑलरेडी वो गिर तो चुका है और लगातार गिरते जा रहे हैं। भले ऑटो स्टॉक्स में तेजी है लेकिन अशोक लेलैंड अलग ही चलता है, ये गिरते ही जा रहा है। अब क्या व्यू बदला है कि अब भी वही व्यू है और अभी भी इससे निकलना ही ठीक होगा? देखिए अशोक लेलैंड के बारे में हमारा व्यू पहले भी क्या था कि इस स्टॉक में आपको एक अंडर परफॉर्मेंस अभी अगले तिमाही तक देखने को मिलेगा ऐसा लगता है, क्योंकि जो मार्जिन प्रेशर दिखाई दिया है उससे बाजार खुश नहीं है और काफी लोग ऊपर के लेवल पर इस स्टॉक में अटके हुए हैं। तो हमें हर रोज लगातार क्वेरीज आती है और हमारा जवाब यही होता है, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यानी कि आपके पैसे फंसे हुए हैं, तो एक बार आप उछाल में अशोक लेलैंड से निकल भी सकते हैं। यहाँ पर एक जो मौका बन सकता है, जिस तरह से खबरें आई हैं कि इनकी एक फाइनेंस कंपनी जो इसकी एक यूनिट है सब्सिडरी है वहाँ पर इशू लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन उसमें भी वक्त अभी काफ़ी लगेगा, तो इमीडिएटली वो भी ट्रिगर नहीं है। खबर आने से जो उछाल आनी थी वो आ चुकी है और ऐसी स्थिति में अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि इस पैसे का इस्तेमाल आप कहीं और बेहतर कर सकते हैं, मुझे लगता है 135-140 के बीच में आपको कहीं मौका मिले तो निकल के कहीं और पैसे लगाइए और बाद में फिर यहाँ पर गिरावट में री एंट्री ले सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए घबराने की कोई खास बात नहीं है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल की तेज़ी बरकरार है और देखिए सरकार के आखिरी साल के दौरान ग्रोथ को बूस्ट देने वाली कई अलग अलग स्कीमों पर जोर रहेगा। जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पूरे जोर शोर से कोशिश कर रही हैं, तो कमर्शियल व्हीकल्स का साइकिल यहां से और मजबूत होगा और अशोक लेलैंड के परिणाम आगे आपको और बेहतर दिखाई देंगे। तो ये टेम्परेरी हिकअप है, मुझे नहीं लगता कि किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का व्यू इसकी वजह से बदलना चाहिए, ट्रेडर्स के लिए बात हो। ओके ठीक है, यहाँ अगला सवाल है सुपन बोरा का, बाटा और रिलैक्सो बेसिकली फुटवेयर इंडस्ट्री पे पूछ रहे हैं। आज तो बाटा में काफी अच्छी तेजी देखने मिली है और काफी दिनों बाद चला है स्टॉक, काफी दिनों से ठंडा पड़ा था, तो अब ये तेजी जारी रहेगी और कल फिर रिलैक्सो और बाकी जो मिर्जा इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स है उनमें देखने मिलेगी? ऑलरेडी देखने को मिली है रिलैक्सो में देखिए और लिबर्टी में तो बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली, पर मेरा ख्याल है कि बाटा इन सभी में एक बेहतरीन बेट नजर आती है, वहाँ पे तेजी अब भी जारी रहने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ये भी देखिए कंजम्पशन स्टॉक है और एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि बारिश के दौरान इनको थोड़ा सा बूस्ट मिलता है और जिस तरह का इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको देखते हुए जाहिर है कि बाटा को उसका पूरा फायदा मिलता है उस पोर्टफोलियो के अंदर और वही आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपके लिए कोई खास घबराने की बात है, इसमें अगर आप ट्रेडिंग व्यू रखते हैं तो भी मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर अपसाइड बाकी है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप कल भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो फिर तो ये स्टॉक अच्छा है। ओके ठीक है, अगला सवाल कपिल सिंह का है और एक कावेरी सीट पे पूछे, इनफैक्ट मैं देख रहा था सुबह से ही काफी सारे एनालिस्ट भी कावेरी सीट्स का कॉल दिए जा रहे थे, खरीद लीजिए, क्या ये काफी दिनों बाद चलना शुरू हुआ है ऐसा कुछ है या फिर क्या हो क्या रहा है इसमें? दरअसल मैंने इसको बहुत क्लोजली देखा नहीं है तो okay. इसको हम अवॉइड करेंगे फिलहाल। हाँ लेकिन बाकी काफी सारे एनालिस्ट है जो इस पे खरीदारी की व्यू दे रहे थे, ये तो है ही। तो चैनल पर आपको खरीदारी के व्यू जरूर मिले होंगे लेकिन मैंने नजदीक से उसको एनालाइज नहीं किया। अच्छा यहाँ देखिए विराल नकरानी, आई हैव मदरसन सुमी पुट प्लीज व्यू, क्या किया जाए? आज तो जो खबर आ गई कि इनके ऑडी के सीईओ इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जो भी है, लेकिन प्रदीप एक बात बताइए, एक इंडिविजुअल की गिरफ्तारी से क्या किसी डीलर जो कि ऑडी का डीलर है मदरसन सुमी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, किस कैसे देखा जाए इसको? देखिए इसके पहले भी आपको याद होगा कि मदरसन सुमी में इसी खबर की वजह से गिरावट आई थी, ये दरअसल एक फ्रॉड का मामला है यूरोप में और उसी वजह से गिरफ्तारी हुई है क्योंकि किसी छोटे मोटे वायलेशन के चलते गिरफ्तारियां नहीं होती। तो इन्होंने मिसलीड किया पोल्यूशन नॉर्म्स के अंदर और उसके चलते ये कदम पहले उठाया गया था, तब भी मदरसन सुमी की हमने बड़ी मेजर डी रेटिंग होती हुई देखी थी और अब फिर से उसी तरह की खबर की वजह से आप यहाँ पर दबाव बनते हुए देख रहे हैं मदरसन सुमी में, तो एक नीजक रिएक्शन इस वजह से हुआ है।
पर पिछली बार जब ये खबर आई थी उस वक्त इस स्टॉक पे काफी ज्यादा इसके कारोबार पे असर पड़ेगा, इस डर से हमने गिरावट देखी थी, क्या अब भी ऐसा ही देखने को मिलेगा? क्योंकि अब तो चीजें रीसेटल हो चुकी हैं, तो वो एक अलग सवाल है, उसकी थोड़ी क्लैरिटी मुझे उम्मीद है कि पूरी उम्मीद है कि कंपनी यहाँ पे देने की कोशिश करेगी और उसका इंतजार करना चाहिए। नीजक रिएक्शन ही है मुझे लगता है जो आपको बताते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉक को संभलना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये ऑलरेडी 2018 में एक अंडर परफॉर्मर हो चुका है और करीब करीब 25% के आसपास की गिरावट ऊपरी स्तरों से आई है जनवरी से लेकर अब तक, तो थोड़ा फंडामेंटल्स को लेकर ऑलरेडी दूसरे सवाल भी हैं। और जब किसी कमजोर शेयर में बुरी खबर आती है तो रिएक्शन ज्यादा शार्प होता है, तो वही आज देखने मिला है। ओके, यहाँ कृष्णा जो है, कृष्णा डुक्स वेदांता पे पूछ रहे हैं, आज ये स्टॉक सेंसेक्स का हिस्सा बना और धुलाई हो गई। आपने कहा था फ्राइडे को जैसे सेंसेक्स का हिस्सा बनेगा इसकी धुलाई होनी है। नहीं, हमारा भी ये था कि जो स्टॉक निकलता है वो खरीदिए जरूर। हाँ, तो डॉक्टर रेड्डीज था, वो खरीदिए जरूर। और वो अगर आपने आज खरीदा तो 100 रुपए की कमाई दिन के दौरान ही होगी निचले स्तरों से। लेकिन वेदांता को बेचिए ऐसा भी हमारा नहीं है। लेकिन वेदांता पे ट्रेडिंग कॉल निगेटिव है। आज हमने बाजार खुलने से पहले ये व्यू लिया था कि वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील आपको बेचना चाहिए क्योंकि एलएमई पे मेटल की काफी धुलाई हुई है। और जब ट्रेड वॉर की बात होती है तो ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबल ट्रेड पर असर जो आता है उसका असर जाहिर है कि मेटल्स पे देखने को मिलेगा, ऐसा अंदेशा बना और उसी वजह से हमने ये गिरावट आते हुए देखी। लेकिन चाइना से जो कंजम्पशन के आंकड़े आ रहे हैं मेटल के, वो भी थोड़े से कमजोर हो रहे हैं और इसकी वजह से भी मेटल स्टॉक्स पे वीकनेस देखने को मिली है। अब ट्रेडिंग व्यू इन सारे स्टॉक्स पर निगेटिव बना हुआ है। स्टील में फिर भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, तो आज शाम होते होते स्टील के मंदी काटने का व्यू बनने लगा था ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन बेस मेटल स्टॉक्स में मंदी का व्यू अभी बरकरार है। अब आज एलएमई से क्या ट्रेड आता है वो एक देखने वाली बात होगी। अगर वहां पे दबाव बना रहता है तो ये स्टॉक शायद आपको फिर से नए लोस दिखाए। ओके प्रदीप, यस बैंक या कैपिटल फर्स्ट? धर्मेंद्र यादव पूछ रहे क्या कैपिटल फर्स्ट। क्यों, यस बैंक में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस मिला था 2002 में जहाँ तक मुझे याद है, और कैपिटल फर्स्ट अब IDFC बैंक को एक्वायर करेगा, उसके बाद उसके साथ विलय होगा, उसके बाद ये फुल फ्लेज्ड बैंक बनेगा। तो जो ये स्टोरी यहाँ पर आपको अब मिल रही है, इस लिहाज से मेरा ये मानना है कि बहुत लंबा नजरिया अगर आपका है तो कैपिटल फर्स्ट आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिए, अगर आप 6 महीने से साल भर का व्यू रखते हैं तो हो सकता है कि यस बैंक आपको बेहतर रिटर्न कमा कर दे, क्योंकि ये थोड़ा बीच में अंडर परफॉर्मर था, अब इसने फिर से कैचअप कर लिया है। और एक बात मान के चलिए, मर्जर के बाद कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक की जो नई यूनिट एंटिटी बनेगी वो शुरुआत के 3, 4, 6, 8 क्वार्टर्स तक कोई बहुत शानदार आपको रिटर्न नहीं देगी, बहुत शानदार रिजल्ट नहीं देगी। इस दौरान लोग खरीदारी कर रहे होंगे तो रीरेटिंग होती जाएगी, हमें ऐसा लगता है कि रीरेटिंग होगी, यानी पी बढ़ेगा लेकिन EPS नहीं बढ़ेगा या बुक वैल्यू उस तरह से बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी। तो शुरुआत के लिहाज से हो सकता है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर में यस बैंक आउट परफॉर्म करे। लेकिन मेरा मानना है कि लंबी स्टोरी खेलना ज्यादा बेहतर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो फिर 6 क्वार्टर का व्यू क्यों लेते हैं, तो फिर मैं कैपिटल फर्स्ट या IDFC। और अब ये करेक्ट भी हो रहे हैं, देखिए शार्प मूव के बाद तो बहुत अच्छा मौका है, इस मौके का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। तो 4 से 6 क्वार्टर के लिए चाहिए तो यस बैंक खरीद लीजिए, और लंबी अवधि के लिए चाहिए तो आप कैपिटल फर्स्ट खरीद सकते हैं। लेकिन प्रदीप, काफी सारे सवाल हम ले चुके हैं तो अब विदा लिया जाए। बिल्कुल, विदा लेने का वक्त है। एक स्पाइस जेट पे सवाल आ रहा है, वो भी मैं देख लूँ। आज सुबह बाजार खुलने से पहले एविएशन पर भी हमने तेजी का कॉल दिया था और स्पाइस जेट ने काफी सारे नए रूट्स का ऐलान किया जिसके चलते वो तेजी दिखाई दी, और इस पर भी एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है, इसलिए भी क्योंकि क्रूड के दाम नीचे आ रहे हैं और 22 तारीख को इसी हफ्ते वियना में जो समिट होने वाली है, तेल के उत्पादन को बढ़ाने का अगर फैसला होता है तो हो सकता है कि इस हफ्ते के परफॉर्मेंस आपको ये एविएशन स्टॉक की, एविएशन के साथ OMCs भी, क्योंकि आज सबसे ज्यादा तो वही चले। ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, तो आप देखते रहिए CNBC आवाज और Facebook Live पे, हम आपकी क्वेरीज ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।